पंजाब में फर्जी विजिलेंस इंस्पेक्टर गिरफ्तार। बचपन से पुलिस में भर्ती होने का सपना, सिलेक्शन नहीं हुआ तो वर्दी पहन लोगों को ठगने लगा। पंजाब के लुधियाना में पुलिस ने फर्जी विजिलेंस इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है। आरोपी अधिकारी बनकर लोगों के साथ ठगी कर रहा था। आरोपी की पहचान ईश्वर नगर के रहने वाले हरमनप्रीत सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके कब्जे से इंस्पेक्टर की वर्दी भी बरामद की है। सदर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि खुद को विजिलेंस अधिकारी बताने वाला व्यक्ति गिल गांव के नजदीक गाड़ी में घूम रहा है। एएसआई हरबंस सिंह की टीम ने नाकाबंदी कर उक्त व्यक्ति को रुकवाया। पूछताछ में व्यक्ति ने खुद को विजिलेंस इंस्पेक्टर बताया। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया कि वह लोगों पर रौब डालने और ठगी करने के लिए फर्जी इंस्पेक्टर बना था। वर्दी पर हरमन सिंह की नेम प्लेट भी लगी हुई थी एडीसीपी देव सिंह ने बताया कि आरोपी हरमनप्रीत ने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की हुई है। उनका सपना था कि वह पुलिस विभाग में भर्ती हो, लेकिन वह नहीं हो पाया। अभी तक वह कितने लोगों के साथ ठगी कर चुका है, इसके बारे में पता लगाया जा रहा है। हरमनप्रीत सिंह से पुलिस को वर्दी, 3-3 स्टार, एक गर्म जैकेट सहित नाम की प्लेट, एक चमड़े की बेल्ट, खाकी पगड़ी, एक भर्ती परीक्षा की किताब बरामद हुई है। उसने अपनी स्विफ्ट कार PB29R12 पुलिस का स्टिकर लगाया हुआ है। एडीसीपी ने आगे बताया है कि हरमनप्रीत को कोर्ट में पेश कर 2 दिन के रिमांड पर लिया गया है। पुलिस अधिकारियों द्वारा वर्दी बेचने वाले दुकानदारों को भी सख्त आदेश दिए गए हैं, वह बिना वेरिफिकेशन किसी को वर्दी न बेचे। पता चला कि हरमनप्रीत ने सरकारी कर्मचारियों के साथ भी ठगी की है। अपडेट मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।